फैक्टराइजेशन, एंड फैक्टराइजेशन कैसे होता है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. अब मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का क्या मतलब हुआ, जब हम बताते हो गए, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन है आपके पास में, सिक्स प्लस 17x प्लस 5. वो आपको कह रहा है कि आपको इसको फैक्टर थ्योरम भूल जाओ, हो गई वो खत्म, एंड रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो गई, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है आपस में, ठीक है. फैक्टर्स का जरूर लेना देना है, लेकिन फैक्टर थ्योरम का कोई लेना देना नहीं है. तो कंफ्यूज नहीं होनी, अभी अलग टॉपिक है एक. अब आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये एक्सप्रेशन है. अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको फैक्टर्स निकालने हैं. अब इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, जैसे एक एक दिया होता है 20, हमें पता है 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम उसको ऐसे डिवाइड करने लग जाते हैं कि भाई ये हो गए फैक्टर्स 2, 2, 5, ये हो गए, यानी 2 और 5 इसके फैक्टर्स हैं मैम, 4 और 5 भी हो सकते हैं, ये हो गए फैक्टर्स निकालना. अब इसके कैसे निकालोगे फैक्टर्स मैम, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लो. फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को आवाज नहीं आ रही मैम, पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे. अच्छा, उससे क्या होगा मैम, फिर जैसे 30 आ जाएगा, देन हमें 30 के फैक्टर्स निकालने. ओके, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये फर्स्ट ये वाला नंबर कोई भी हो, अभी 6 है तो मैं 6 ले रही हूँ, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, नहीं हो, ठीक है. वैसे मोस्टली होता नहीं है, अगर वो आपको बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, यानी 1 होगा, 0 तो नहीं होगा. कोई भी नंबर हो, उस नंबर और जो ये लास्ट नंबर, जो भी नंबर होगा 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, जो भी हो, हम इस फर्स्ट और इस लास्ट नंबर को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी 6 × 5 = 30. अब ये 30 है, अब इस 30 के निकालोगे आप फैक्टर्स, इसको करोगे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम करते हुए आते हैं, 2, 15, 3, 5, 1. मेरे पास आई ये 3 नंबर्स, 2, 3, 5, ये 3 नंबर्स आ गए मेरे पास. अब मुझे इन 3 नंबर से खेलना है. अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि इन 3 नंबर्स की हेल्प से मैं ऐसे कोई 2 नंबर बनाऊं, ठीक है, मुझे यूज तीनों ही नंबर करने हैं, लेकिन ऐसे कोई 2 नंबर बनाऊं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 30 आए, ठीक है, और जिसको मैं प्लस करूं तो मेरा आंसर 17 आए. मुझे इन 3 नंबर्स को ऐसे 2 नंबर्स बनाना है. 2 नंबर्स कैसे बनाऊंगी, बेहद मैं 2 × 3 = 6 कर दूं, और एक 2 × 3 = 6 ले लूं और एक 5 ले लूं, या एक 2 × 5 = 10 ले लूं और एक 3 ले लूं, तो ये मेरे ऊपर है. कोई 2 नंबर्स बना मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 30 आए, और जिनको प्लस करूं तो मेरा आंसर 79, जो ये बीच वाली टर्म है. अब मैं 2, 3, 5 का क्या बना सकती हूँ बताओ, ऐसे कौन से 2 नंबर्स बना सकती हूँ मैं इनके, कि मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 15 और 2. ओके यस, यानी मतलब मैं 3 × 5 कर दूं और 2 कर दूं, 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5. अगर यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो ठीक है, अभी तक जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं. अगर देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस वाले क्वेश्चन में ये प्लस है, ठीक है, तब भी हम यहाँ पे ये प्लस लगा रहे हैं,
लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता, माइनस 17x होता, तो मैं ये माइनस 2x और माइनस 15x करती, समझ रहे हो? तो मैं प्लस नहीं करती, माइनस 17x चाहिए होता मुझे यहाँ पे, तो मैं माइनस 2x माइनस 50, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैं माइनस 2x और माइनस 15x करती, लेकिन अभी तो यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस ही लिखूंगी। अब आप क्या करोगे? ठीक है, अब ये हमारे एक अब ये हमारी होगी एक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके हम लेंगे कॉमन। अब हम कॉमन कैसे ले सकते हैं? 6x² + 2x में क्या कॉमन आएगा? क्या टू कॉमन एंड आएगा? एट कॉमन आ गया। यहाँ पे मेरे के पास क्या बचा? 3x और 2x, यहाँ पे 1 क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुकी हूँ। 15x + y में क्या कॉमन आएगा? फाइव 5। यहाँ पे भी बचा 3x + 1। अब ये 3x + 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, और बच क्या आ रहा है मेरे पास? 2x + 5, ये फाइव दोनों हो गए मेरे फैक्टर्स। ऐसे निकलते हैं फैक्टर, जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्योंकि हमने इस वाली बीच वाली टर्म को स्प्लिट करा है, तभी हम इसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो अब मेरे ये हो गए मेरे दो फैक्टर्स। समझ आया कैसे किया मैम ने? यस मैम यस सुन मन्नत आकांक्षा, यस मैम अंडरस्टूड। कोई बात नहीं, और एग्जांपल लेते हैं एक, फिर आप करना प्रैक्टिस। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए करते हुए। अब देखो, ये एक एग्जांपल है जो दिया हुआ है, y² - 5y + 6। ठीक है, एक ये दिया हुआ है, आप इसने आपको बोला है कि आपको स्प्लिटिंग द मेथड करके फैक्टराइज करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं बोलेगा, जस्ट आपको वो बोलेगा आपको फैक्टराइज करना है। ये मुझे पता है कि मुझे स्प्लिटिंग द मेथड यूज करना है। अब मैं पहला स्टेप मेरा क्या होता है, हमेशा क्या करूँगी मैं, क्या करूँगी फर्स्ट स्टेप में? मैम 5y को स्प्लिट करेंगे, आएगा टू वाई पहले प्लस हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को। मेरी फर्स्ट टर्म यानी यहाँ पे 1 गिवन है और यहाँ पे 6 है, यानी ये 1 × 6 6 हो गई। फिर मैं क्या करूँगी, 6 के फैक्टर निकालूंगी। 6 के फैक्टर यानी हुए 2, 3, 1, यानी मेरे पास ये दो टर्म्स आ गई। अब मुझे इन दो टर्म्स से खेलना है। अब मैं ऐसे क्या बना सकती हूँ 2 और 3 का? तो बहुत सिंपल है, बताओ। टू टू और थ्री इंटू को, थ्री हाँ एंड -2 - 3 यस, x² क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो मैंने पहले ही कहा था अगर माइनस हुआ तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? -2y - 3y + 6, क्योंकि मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी मेरा आंसर 6 आ रहा है, प्लस कर रही हूँ तो मेरा आंसर 5 आ रहा है। मेरी ये दो कंडीशन सॉल्व हो रही है इन दोनों से। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? y बचा, क्या टू y माइनस माइनस 2, तो ये मेरी बच गई। यहाँ पे मैंने लिया माइनस, कॉमन ले लिया मैंने। अब माइनस, अब बोलोगे मैं थ्री माइनस प्लस में, यहाँ पे क्या बचा? ये कॉमन आया 3, अंदर तो मैंने माइनस भी ले लिया और 3 भी ले लिया, तो मेरे पास y। लेकिन अब ये देखना है, यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा अंदर ब्रैकेट में माइनस माइनस, क्योंकि जब माइनस वेन यस वेन आई विल ओपन दिस ब्रैकेट ना, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, तभी यहाँ पे प्लस होगा जब यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है? -y - 2, बचा क्या है मेरे पास? y - 3। आ गए मेरे फैक्टर्स। ये होता है माइनस में और वो होता है प्लस में। सबसे पहला स्टेप वही है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, उसके फैक्टर्स निकालो। दो नंबर्स आते हैं, तीन आते हैं, चार आते हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं उनके साथ खेलो, उनको दो नंबर्स में ऐसे बनाओ जिससे आपका वो दोनों इक्वेशन जो है पॉसिबिलिटी हो जाए।
समझ आ गई? क्वेश्चंस करोगे अब? दू यस मैम।